प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को राशन वितरण का आयोजन किया गया। ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र अंतर्गत लगने वाली ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर कटई में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के महोत्सव के तहत सभी कार्ड धारकों को मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव द्वारा लक्ष्मीपुर कटई जूनियर हाई स्कूल में पहुंचकर सभी कार्ड धारकों को राशन किट का वितरण किया गया। मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव का कहना है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट देकर कामयाब बनाएं। यदि किसी राशन डीलर की कोई शिकायत मिलती है तो उसको भी प्रमुखता से लिया जाएगा और जाँच कर अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने सभी ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत के डीलरों से अपील कर कहा कि सभी कार्ड को 5 किलो पर यूनिट पर राशन वितरण करें। कोई भी अपनी मनमानी ना करे, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उपस्थित ग्राम प्रधान नोबा सिंह, पूर्व प्रधान मोहम्मद यासीन, पूर्व प्रधान मोहनलाल सैनी, डीलर मोहनलाल, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप सिंह यादव, नरेश सिंह आदि मौजूद रहे। अब यहाँ लक्ष्मीपुर कटई ब्लॉक मुंडा पांडे में आए हुए हैं। पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का एक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसलिए रूप में आना हुआ है। जी, कितने लोगों को यहाँ राशन वितरण किया है आज, जो सब किया जा रहा है उसके तहत कुछ जानकारी? जो अंत्योदय के अंतर्गत राशन जिनको आधार कार्ड वाले हैं उन्हीं के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग वो यहाँ पे सभी के लिए आज सभी के लिए किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों को आज राशन वितरण किया जा रहा है। अच्छा, किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे जो राशन डीलर कुछ मिली भगत कर रहे हैं? और अपने बिल्कुल इस पर शब्दों में माननीय योगी जी मोदी जी का भी निर्देश है, उसी क्रम में हमारा यहाँ आना हुआ है। और सभी को ये स्पष्ट निर्देश है कि समय से और पूरा राशन वितरण किया जाना है। लाभार्थी कोई शिकायत किसी तरीके नहीं होनी चाहिए, कम राशन मिल रहा है, इस तरीके की शिकायत प्रदर्शन की जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से अगर कोई शिकायत आप तक पहुंचती है राशन कम वितरण करने की, और उन डीलरों के खिलाफ अपने माध्यम से क्या कुछ कार्रवाई कराएंगे? और बिल्कुल पूरी तरीके से हम जो उचित माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे और उनका राशन की दुकान हटवाने की कार्रवाई भी करेंगे। जो हमारा जिन लोगों के लिए योजना है उन लोगों को लाभ ही नहीं मिल पाएगा और कम राशन मिलेगा तो फिर औचित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का पूरा हमारा प्रयास। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस उत्सव के मान्य चलते हुए? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। ऐसे जैसे ही अन्न महोत्सव है, अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी ऐसे ही भेदभावपूर्ण मनाए जाते रहेंगे।